हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वेल्डिंग मशीन आई है आज हमारे पास बनने के लिए, जो कि इसमें क्या है, एम एम ए 200 आई है। तो सिंगल प्लेट की मशीन है। तो ये मशीन तो खोली है, देखो ये सिंगल प्लेट है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये चालू ही नहीं हो रही है। बटन तो कनेक्शन नहीं है, कुछ भी बटन का कोई कनेक्शन नहीं है। ये इसमें क्या है कि डायरेक्ट आ रही है तारी, ये देखिए। तो अब जो ये वेल्डिंग मशीन को जैसे ही सप्लाई दे रहे हैं ना दोस्तों, तो ये तो चल नहीं रही। तो या तो इसके IGBT डायोड ख़राब है या इसकी पावर सप्लाई। तो अब हम उसको बनाने के लिए इसको चेक करेंगे। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको जब मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी तार है। अब हम मैं इसको इसका थोड़ा ऐसा करता हूँ, ये देखिए ये सीरीज है। अब मैंने इसमें लगाया तो ये बल्ब तो जल रहा है लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब चालू ही नहीं हो रहा है ये काम। अब मैंने इसको निकाल लिया, अब हम इसको देखते हैं कि है क्या आखिर। ये एक प्रकार से समझ लो कि डेड कंडीशन में आई है। तो दोस्तों, कहाँ गया मीटर? अब इसको चेक करने के लिए मीटर को रख दिया हमने डायोड पे। तो डायोड पे रख के और इसके IGBT पे देखते हैं क्या है सिस्टम। इसके IGBT के इसको डायोड रेंज पे करके, ये मैंने डायोड रेंज पे कर दिया। और IGBT के ये IGBT हैं चार, ड्रेन पे रख दिया ब्लैक वाला माइनस, और ये सोर्स पे रख रहे हैं रेड। तो ये तो वैल्यू बता रहा है, मतलब ये सही है तो ये भी सही है, इधर भी बता रहा है ये सही तो ये भी सही है। तो इसको चारों सही है। इधर लगे हैं डायोड, वो भी सही वैल्यू बता रहा है, एक सही तो सब सही है। अब ये तो सही है, तो ख़राब क्या है? ये जो इसके कैपेसिटर लग रहे हैं ना, देखो थोड़ी मिट्टी लगी हुई है। मेरे ख्याल से तो कहीं से रिपेयरिंग हो के आई है या पहले कभी जीवन में कराई हो जिसकी है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है सिस्टम। ये तो शॉर्ट बता रहा है लेकिन 2 मिनट शॉर्ट बताता है ये, उसके बाद सही हो जाता है लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसका एक ही कैपेसिटर ख़राब लग रहा है मेरे को। मतलब कि दोस्तों बीप बजती है तो बीप भी नहीं बज रही। तो दोस्तों ये तो पूरी तरीके से शॉर्ट बता रहा है, जो होना तो नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, तो अब हमें अगर ये ऐसे इस कंडीशन में ऐसे बता रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, चालू और चालू करके देखेंगे कि इसमें आखिर क्या है, वोल्टेज आ रहा है क्या हो रहा है। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ लगा दिया सप्लाई। अब इसको चेक करूँगा मैं कैपेसिटर पे कितनी सप्लाई आ रही है DC, वो चेक करूँगा। ये इसको मैंने रख दिया 600 पे। तो जैसे ही इसके DC ये कैपेसिटर पे मैं देख रहा हूँ वोल्टेज, तो ये तो सही आ रहा है। मतलब कि ऑफलाइन में गलत बता रहा है और ऑनलाइन में सही बता रहा है। तो अभी तो दौर भी कोरोना का ही है, सब ऑनलाइन हो रहा है कामकाज। तो दोस्तों अब क्या है कि ये सही है, ये ख़राब नहीं है। इससे जुड़े हुए जो आगे सप्लाई है ना हमारी, ये 24 वोल्ट, वो ख़राब है, जिसके कारण उसको भी शॉर्ट बता रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हम समझ तो गए इसमें 24 वोल्ट ख़राब है। 24 वोल्ट नहीं बन रहे तो मशीन चालू नहीं हो रही, 5 वोल्ट नहीं बन रहे, डिस्प्ले नहीं बन रहा। तो अब इसको चालू करने के लिए हम 24 वोल्ट का जुगाड़ करेंगे।
क्योंकि ये मशीन मेरे को थोड़ा जल्दी रिपेयर करके देना है, इसमें टाइम नहीं गंवाना है। ये इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम है नहीं कि इसमें हम टाइम गंवाएं, क्योंकि मुझे आपको इस वीडियो में ही बताना है इस ये जो 206 लगा हुआ है ना इसमें, ये ट्रांसफार्मर SMPS में, तो इसके बारे में थोड़ा बताना है समझा के डाइग्राम से। तो फटाफट इसको चालू करते हैं। कैसे दोस्तों, हमारे पास तो एक ये है ट्रांसफार्मर 15015 और एक 400 एम्पियर की प्लेट है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से इधर घूम घाम के 24 वोल्ट आ जाते हैं घूम घाम के इस कैपेसिटर में। तो अब इस 24 वोल्ट को यहाँ से ये जोड़ दिया है ना दो तारें, इसको यहाँ से यहाँ कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा तो देखता हूँ कि चालू होती है कि नहीं होती है, और होती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका फाइनल 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 24 वोल्ट ख़राब। तो अब ये जो इसको सप्लाई देने के लिए ये तार मैंने ट्रांसफार्मर की इसमें जोड़ दी, अब इसको रख देता हूँ यहाँ और इसको हाथ में, और इसको मैं ट्रांसफार्मर को यहाँ से सीरीज से सप्लाई दे देता हूँ 220 वोल्ट। चलता तो 3 फेज पे भी है लेकिन अब है नहीं अभी ट्रांसफार्मर। तो अब इस 24 वोल्ट को देखते हैं आ रहे नहीं आ रहे। इधर 200 पे कर दिया हमने इसको, तो अब इसको नापता हूँ। तो ये देखो इधर ये हमारा मीटर में देखेंगे तो आने लगा 25.6 जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो अब ये तो हमको मिल गया वोल्ट 24-25 वोल्ट जो लगता है हमको SMPS के लिए। अभी हमने इसका ले लिया उधारी, अब हमको इसको चेक करना है। लेकिन तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे ऐसे, अब ऐसे कर लिया। अब इसको इस वाली मशीन को कोई सप्लाई नहीं देना है हमको, इसको सिर्फ ये 24 वोल्ट दे के देखूँगा कि भैया इसका मीटर चालू हो रहा है कि नहीं। तो 24 वोल्ट देने के लिए अब इसको मैं ऐसे कर दिया। अब मैं तो चालू में दे रहा हूँ लेकिन आप थोड़ा केयर से करना काम, क्योंकि ये जो होता है ना फिर फट जाते हैं कैपेसिटर। अब मैंने यहाँ तो लगा दिया तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सही तरीके से लगाना पड़ता है, वो वार्निश वगैरह होता है दोस्तों इनमें। ये देखो दोस्तों, अब ये क्या चलने लगा, ये तो चलने लगी। मैंने इस पे इस छोटी प्लेट से 24 वोल्ट दिया। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों ट्रांसफार्मर है 400 एम्पियर का है, मेरे पास एक ट्रांसफार 400 एम्पियर बन गई, तो मैंने उसका उठा के और ये सब करके इसको चेक कर लिया। अब इसमें क्या ख़राब है दोस्तों, 24 वोल्ट सिर्फ, जब इसका पंखा भी चल रहा है और इसमें सप्लाई भी बढ़िया आ रही है, तो सीधा सीधा है दोस्तों कुछ नहीं है, इसकी 24 वोल्ट पावर सप्लाई ख़राब है। तो अब हमें 24 वोल्ट जो है, और ये क्या किया दोस्तों, अब गलती से ये क्या हो गया, टच हो गया तो ये थोड़ा गर्म हो गया इसका कैपेसिटर, कुछ नहीं है। ये सीरीज़ में थोड़ा कम लॉस होता है, अगर डायरेक्ट होता तो उड़ जाती ये प्लेट पूरी, ये 1100-1200 की प्लेट है। तो इसको छोड़ो, अब हमको ये पता चल गया कि ये इसमें 24 वोल्ट का फॉल्ट है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं एक बार दोस्तों कि ये तो ख़राब नहीं हो गया हमारा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर से। इसको ऐसे कर लिया, इसको सप्लाई दे दी हमने कहाँ पे, यहाँ पे। इसके वोल्ट नापेंगे हम, अभी तो नहीं कुछ, दोस्तों ये शॉर्ट भी हो जाता है ना। अभी हमने जब इसको देखा तो ये हमसे थोड़ा टकरा गया तो शॉर्ट हो गया। अब देखते हैं कि कुछ इसमें ख़राबी तो नहीं आ गई ना,
ये इसमें मैंने लगा दिया और इसको दोस्तों 25 वोल्ट बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि सीरीज के कारण हम बच गए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सप्लाई को एक बार लगा के देख देते हैं फिर से मशीन में कि भैया लोड वोड उठा रही है। उठाएगी दोस्तों, उठाएगी। इसको नीचे रख लेते हैं फिर से एक बार चेक करने के लिए। मशीन के माइनस में माइनस जोड़ रहा हूँ तो ये तो चालू हो रही है। डिस्प्ले चालू, पंखा चालू, तो सब कुछ चालू। तो ये जो है ना दोस्तों प्रॉब्लम, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने बनाया है ना, ये देख रहे हैं ना आप, तो इसीलिए बनाया है कि ये मशीन जब हमको जल्दी देनी है ना तो ये मॉड्यूल उठा के हमने लगा दिया तो मशीन बन जाती है। अब क्या करना है दोस्तों, हमको इसकी 24 वोल्ट को जोड़ के एक बार वेल्डिंग करके देखनी है हमको। तो ये 24 वोल्ट मैंने अब इधर जोड़ देता हूँ। इसके कैपेसिटर में देखो दोस्तों इसमें क्या है, ये मशीन हो गई चालू। ये केस में क्या किया हमने, 24 वोल्ट को इस मशीन इस प्लेट से यहाँ से लिया, ये जा रहा है ट्रांसफार्मर और ये अब क्या बची है इसकी सप्लाई। भैया इसको भी तो सप्लाई चाहिए ना चलने के लिए, तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे इसकी सप्लाई सीरीज में। तो ये मशीन क्या हो गई, चालू हो गई। अब हमने उसको सीरीज में जब दिया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया वोल्टेज। ये मैंने जो इसको चेक कर रहा तो ये यहाँ वोल्टेज आ गया, इसका मतलब कि ये ओके है मशीन, सिर्फ इसकी 24 वोल्ट खराब था। अब इसको शॉर्ट करके देखते हैं हम, ये देखो मतलब कि ये तो सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये मशीन भी हमने बना ली, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सिर्फ 24 वोल्ट का प्रॉब्लम था। तो दोस्तों ये सप्लाई बहुत काम की चीज़ है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिस भी भाई को चाहिए ऑर्डर कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अब दोस्तों इस सप्लाई में जो मैंने ये जो 206 ट्रांसफार्मर यूज़ किया है ना दोस्तों, आज हम इसके बारे में समझते हैं थोड़ा डायग्राम की मदद से। चलिए ये देख रहे हैं ना आप, इसमें मैंने ना सप्लाई देके अंदर 24 वोल्ट सेट कर दिया, अब इसको चालू कर दिया है और ये जो दो कनेक्टर हैं इसमें जोड़ दिए हैं इसका, ये मैंने उठा लिया हाथ में। तो अब हम क्या करेंगे इसमें वेल्डिंग, तो ये तो बढ़िया कर रही है वेल्डिंग, ये रेंज कम है अभी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मशीन अब चलने लगी। ठीक है दोस्तों, देखो अब इसकी रेंज को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिया, ये फास्ट चलने लगी, मतलब कि कम ज़्यादा का भी इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वेल्डिंग मशीनें चलती हैं। इसको करते हैं अब हम बंद और समझते हैं 206। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारी वेल्डिंग मशीन में ना 24 वोल्ट बनते हैं SMPS, इसमें एक SMPS ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर है ना उसको 200 और ये 6 लिखा होता है, तो ये जो और भी कुछ लिखा होता है पढ़ लेते हैं एक बार, कहाँ गया, यही है। तो मेरे को जैसे याद आ रहा है, अब इसमें भी नहीं लिखा है, ये तो पुराना है, नया अंदर है। तो क्या होता है, ये लिखा है दोस्तों इसमें देखो, E25 206। E25 का क्या मतलब हुआ,
E25, तो इसका मतलब यही है भैया 24 वोल्ट। और E का मतलब क्या हुआ, ये जो इसके अंदर की कोर है ना, कोर किसी किसी में लिखा होता है EEL25, तो ये जो EEL है ना, EEL का मतलब क्या होता है, ई ये ई है भैया, ऐसे कर लो, ये ई ये एल और ये ई, तो ये जो इनकी अंदर कोर होती है ना, कोर वो इस प्रकार से बनी होती है, कभी खोल के देख लीजिएगा। तो EEL इसकी अंदर की जो ये कोर है उसका वर्णन है आगे EEL25। और जो 206 का वर्णन क्या है, ये इसकी वाइंडिंग है, प्राइमरी में इसकी 200 टर्ने हैं और जो सेकेंडरी में है ना वो 6 टर्ने हैं कुल। तो इस प्रकार से ये 206 का ब्यौरा है, इसका इंट्रोडक्शन है। वर्क, इसका वर्क क्या है, तो वर्क वर्क में हम समझेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है ना दोस्तों, इसमें इस प्रकार से 8-8 हो गया, 4-4 दोनों तरफ पिने रहता है। अब पिनों का क्या मतलब है, ये जो एक पिन है ना उसकी कॉइल है, ये एक कॉइल, तो अब ये कंटिन्यूटी बताते हैं, आप कभी भी टच कर लेना। और इसकी दूसरी, ये तीसरी, और ये जो है ना होती तो है मगर इसका हम यूज़ नहीं करते मशीन में, तो ये भी कॉइल ही है एक, लेकिन अभी इसका हम यूज़ नहीं करते 24 वोल्ट बनाने में, इसको छोड़ दो आप फिर। और ये क्या है, ये इसका सेक्शन हो गया, ये सेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन, और इस तरफ का जो सेक्शन है ना वो सेक्शन, ये बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शन। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दो वो होती है कंडीशनें, ये हॉट कंडीशन होती है यहाँ की और ये कोल्ड, हॉट सेक्शन भी बोल सकते हैं और ये कोल्ड सेक्शन क्यों बोलते हैं, ये गर्म इतना क्यों है, ये भैया इतना इस तरफ गर्म क्यों हो और इतना ठंडा क्यों हो इस तरफ, तो उसका यही कारण है कि इधर हाई वोल्टेज आता है, तो इस प्राइमरी सेक्शन में हाई वोल्टेज आने के कारण ये हॉट होता है, गर्म होता है, तो इसको बोलते हैं हैवी वोल्टेज सेक्शन। और ये लो वोल्टेज सेक्शन, अब जो इसमें करंट आता है ना भैया, वो डायरेक्ट रेक्टिफायर से आता है, वो ब्रिज रेक्टिफायर से कैपेसिटर में होते हुए आता है प्राइमरी सेक्शन में, तो प्राइमरी सेक्शन गर्म ही होगा, वो हैवी है बिल्कुल, 330 के प्लस रहता है, इसीलिए इसको हॉट और कोल्ड। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके मुख्य पॉइंट क्या हैं, इसके मुख्य पॉइंट ये हैं कि इसका जो ग्राउंड है ना भैया, ये प्लस तो आ गया प्राइमरी में इधर, तो ग्राउंड जो आता है ना इसका ग्राउंड, वो जो ग्राउंड होता है वो इसकी ये जो सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग देख रहे हैं ना आप, ये सेकेंड प्राइमरी स्टेप डाउन कॉइल होती है, ये स्टेप डाउन कॉइल, स्टेप डाउन कॉइल में इसका माइनस आता है वाया स्विचिंग, मॉस्फेट के स्विचिंग के द्वारा इसमें आता है, क्यों, क्योंकि SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई, तो स्विच करके ही आएगा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं SMPS पावर सप्लाई। तो ये प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, अब सेम में बात भैया, ले लिया तो देगा कहाँ से, इस कॉइल से, तो ये देता है हमको 24 वोल्ट इसी कॉइल से, AC को फिर डायोड लगा के DC करके हम यूज़ कर लेते हैं। पर इसकी याद रखने की एक ही बात है कि ये जो इस तरफ का ये हमने ग्राउंड है ना भैया, तो ये और ये जो इसका ग्राउंड है ना, ये कभी आपस में मिले नहीं होते, ये याद रखने की बातें हैं कि ये ग्राउंड और ये इसका ग्राउंड दोनों अलग अलग हैं। कई लोगों का मैं सुना हूँ, भैया कल तो मीटर ले आए लेकिन आज ख़राब हो गया, तो ये तो कारण है ना भैया,
आप इधर का ग्राउंड लेके इधर के प्लस को चेक करेंगे तो वो तो मीटर ख़राब हो गई, तो मीटर जो होते हैं इसके कारण ख़राब हो जाते हैं और सप्लाइयाँ भी इसी के कारण ख़राब हो जाती हैं कि चेक करते टाइम हम यहाँ का ग्राउंड लेके यहाँ का प्लस चेक करते हैं, यहाँ का ग्राउंड लेके यहाँ करते हैं, लेकिन रियलिटी जो होती है वो इन दोनों ग्राउंड की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन है, ये अलग है ये अलग है। इस प्रकार से भैया 206 की ये वर्किंग है ट्रांसफार्मर की, SMPS की। इसके चेक करने का तरीका भी यही है कि ये जो पहली दूसरी तीसरी चौथी आपस में बोलेगी कंटिन्यूटी पे, कभी चेक कर लेना। तो भैया ये हो गया इसका 206 का वर्किंग सिस्टम। अब वीडियो कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ओके।